हेलो एवरीवन, नमस्ते सबैजनालाई। जति पनि मेरो फेसबुकको फ्रेन्ड्स, मेरो युट्युबको जस जसले मेरो च्यानललाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल बुद्धिस्ट बगेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज है तपाईँहरूलाई एउटा यसो सानो एउटा भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूको लागि भनेर। हिजो राति जुन चाहिँ म्याच भएको थियो, आइपिएल म्याच, तपाईँको रोयल च्यालेन्ज बेङ्गलोर भर्सेस लखनऊ है, एलएजी टिमको जुन चाहिँ त्यो म्याच भएको थियो, त्यो म्याच कम फाइट धेरै भएको थियो। र त्यो फाइट चाहिँ के भएको थियो म तपाईँहरूलाई है त्यो भिडियो क्लिप्सहरू के छ म सबै कुरो देखाउने छु। सो स्टे ट्युन। हिजोको जुन चाहिँ म्याच थियो, त्यो म्याच चाहिँ एक्चुली तपाईँको एलएसजी टिमले चाहिँ हार्यो। र हारेर त्योभन्दा अगाडि फेरि एउटा म्याच भएको थियो, त्यसमा बेङ्गलोर र एलएजी दुइटै टिमको म्याच भएको थियो। त्यो म्याचमा चाहिँ एलएजीले जितेको थियो। र हिजोको म्याच चाहिँ एकदम लो स्कोर थियो र पनि एलएजीले जित्नु सकेन कि, एलएजी हार्यो बेङ्गलोरसँग। त त्यसले गर्दा है पछि म्याच कम फाइट धेरै भयो। फाइट चाहिँ के भएको थियो है हिजोको म्याचमा, त्यो भिडियो क्लिप म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु, हेर्नुहोला है। कोहली का एग्रेशन देखने के बाद लखनऊ के सभी खिलाड़ी विराट कोहली पर भड़क गए। जी हां दोस्तों, पहले मैदान पर अमित मिश्रा और विराट कोहली की टू-टू मैमे देखने को मिली। और फिर जब आरसीबी ने लखनऊ को करारी हार दी, तब मैच के बाद अफगानिस्तान के नवीन उल हक ने कोहली के साथ बदतमीजी की, क्योंकि कोहली जब उनसे हाथ मिला रहे थे तब नवीन उल हक ने कोहली का हाथ गुस्से में छोड़ दिया, जिसके बाद कोहली को भी गुस्सा आ गया। फिर मैक्सवेल ने आकर बीच बचाव किया, लेकिन लखनऊ के खिलाड़ियों का ये रवैया यही नहीं रुका। बाद में कायल मेयर्स भी स्पेशल कोहली के पास गए और उनके साथ बहस कर रहे थे, जिसके बाद गौतम गंभीर गुस्से में कायल मेयर्स को वहां से ले गए और बाद में गंभीर भी कोहली पर भड़कते हुए नजर आए। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कोहली पिछले मैच का बदला ले रहे थे, जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने आरसीबी को हराकर गुस्से में सेलिब्रेशन किया था। और आज मैच में विराट कोहली ने भी लखनऊ का हर विकेट गिरने के बाद उसी तरह से गुस्से में सेलिब्रेट किया जैसे लखनऊ के खिलाड़ी उस मैच में कर रहे थे। वहीं जब मैच खत्म हुआ तो कायल मेयर्स कोहली के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए। तभी गंभीर आते हैं और मेयर्स को वहां से खींच ले जाते हैं। तभी कोहली कुछ कहते हैं तो गौतम गंभीर भड़क जाते हैं और कोहली से जाकर भिड़ जाते हैं। इसको देखने के बाद तो दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है और अंपायर्स और बाकी खिलाड़ियों को आकर दोनों को दूर करना पड़ा। एलएसजी के खिलाफ पिछले मैच का बदला लेने के बाद विराट कोहली ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, लखनऊ और आरसीबी के बीच एक धमाकेदार मुकाबला खेला गया, जहां आरसीबी ने एलएसजी को बड़ी बेशर्मी से हरा दिया है। वहीं इस शानदार जीत के बाद विराट कोहली ने बात करते हुए कहा, जिस तरह से हमने आज प्रदर्शन किया है, हम इसी के लिए जाने जाते हैं। मैं और मेरी टीम इस जीत से बेहद ही खुश हैं। पिछले मुलाकात में एलएसजी की टीम ने हमारे घर पर आकर हमें हराया था, लेकिन आज हमने उन्हीं के घर में उन्हें हराकर बदला पूरा कर लिया है। हालांकि ये सब राइवलरी मैदान के अंदर होती है, लेकिन इसी राइवलरी से मैच बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वहीं विराट ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले मैच में गंभीर काफी अग्रेसिव थे और आज मैं उम्मीद है अगर फिर मुलाकात हुई तो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों, आप आरसीबी के इस बदले पर क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताएं। जिस तरीके की आपकी अप्रोच थी वो बहुत नेगेटिव थी। आईपीएल जीत चुके होते, टू बी ऑनेस्ट, या फिर आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके होते। विराट कोहली से भिड़ने के बाद गौतम गंभीर ने कही चौंकाने वाली बात।
लखनऊ और आरसीबी के मैच के बाद हमें सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिला, जहां गौतम गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसके बाद गौतम गंभीर ने इस पर बात करते हुए कहा कि मैं इस हार से निराश हूँ क्योंकि हमारा अप्रोच सही नहीं था। वहीं मेरी राय में कल जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। पहली बात तो मैं विराट के खेल के दौरान जो गेस्टर्स थे उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। गंभीर ने कहा कि कोहली को ये सब करने से अच्छा अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अग्रेशन से कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो वो अभी तक आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके होते।